Good morning, students. Let's begin with the chapter. Yesterday we have done the sources of the, what are the sources of medieval history? That is archaeological and literary part we have done. Now we have concluding with, we have many inscriptions written on plates. बहुत सारी inscription लिखित रूप में होती है हमारे पास बेटा of copper and stone. Copper के ऊपर और stone के ऊपर. They provide valuable information of the medieval period. मध्यकालीन समय की हमें सबसे इम्पॉर्टेंट नॉलेज इन्हीं से मिलती है. जैसे अशोका के बारे में आप उठाकर देख लो, अशोका के जितने महल उनमें पिलर्स में ही गुड़दाई करे हुए लिखा हुआ है. समझ में आया? जैसे आप बहुत सारे महलों में देखोगे उर्दू लैंग्वेज में ही काश्तकारी की जाती है. और जो पुराने समय में एंशियंट टाइम में था बेटा अपना, वहाँ पर हमारी राइटिंग्स कैसी होती थी? पिक्टोरियल. पिक्टोरियल का मतलब होता है विथ पिक्चर्स. पिक्चर्स को देखकर हम समझ में आ जाता था कि क्या कहना चाह रहे हैं वो. दे प्रोवाइड वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन ऑफ द मिडावल पीरियड, द ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन एंड द एक्यूरेट डेट्स. हमें पूरी एक्यूरेट सही निश्चित डेट्स, तारीखें क्या हैं इन शिलालेखों पिलर्स से हमें मिलती है. इन मैनी ऑफ दीज इंस्क्रिप्शंस दे आर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ऑफ रूलर्स, दे रूल्स, दे क्वालिटीज़. अब इन बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस में उनके शासकों के बारे में, उनके शासनकाल के बारे में हम पढ़ते हैं जो लिखा हुआ है कि किसके समय कौन कैसा समय था. सो इंफॉर्मेशन ऑफ द रूलर्स एंड द रूल्स, दे क्वालिटीज, दे रिलेशन विद अदर स्टेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन. उनका प्रशासन कैसा था, उनमें क्या खामियाँ थी, उनमें क्या खूबियाँ थी, इन सबसे हमें इन्हीं से पता लगता है. द प्लेस वे दीज इंस्क्रिप्शंस हैव बीन फाउंड ऑल्सो प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सटेंट ऑफ द एम्पायर. नाउ कॉइंस, जब हम खुदाई करते हैं, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, आई टोल्ड यू आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मीन एग्जीबिशन, खुदाई. उसी खुदाई में हमें बहुत सारे कॉइन्स भी मिलते हैं, कॉपर प्लेट्स भी मिलती हैं और हमें टैबलेट्स भी मिलती हैं. बेटा टैबलेट्स ये नहीं खाने वाली गोली, मतलब एक वो होता है पत्थर का बना हुई छोटे छोटे, उस पर लिखा हुआ होता है. Coins issued by different rulers like Akbar, they provide a good deal of information on the important dates, events and the influential personalities. Akbar के समय कालीन के, अकबर के समय के हमें जो coins मिले हैं उसमें जो dates गुदी हुई हैं उनसे हमें उस समय का शासनकाल उन सब के बारे में पता लगता है बेटा, उन personalities के बारे में, वो personalities कैसी थी. Some coins also have information about the economic condition of the state. किस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन है, आर्थिक स्थिति कैसी है उनकी, उससे भी हमें कॉइन्स के थ्रू पता लगता था. अ बुक ऑन कॉइन्स टाइटल द्रव्य प्राक्षित एन एग्जामिनेशन ऑफ कॉइन्स परीक्षा वॉज ऑल्सो रिटन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन खिलजी. द्रव्य परीक्षा नामक एक किताब लिखी गई थी. किस पे बेटा? परीक्षाओं पे. और उसमें किसके बारे में नॉलेज मिलती है हमें? कॉइन्स के बारे में नॉलेज मिलती है. लिटरी सोर्सेज, अब हमारे साहित्यिक सोर्सेज कौन से हैं? ये तो हमने बोला आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज इंस्क्रिप्शन लिखे हुए. एक लिटरी सोर्सेज होते हैं हमारे, जो मोस्ट ऑफ द सोर्सेज ऑफ द मेडिवल पीरियड आर ऑफ पर्शियन, अरबिक एंड टर्किश. हमारी ज़्यादातर कौन से जरिया हैं बेटा? पर्शियन है, अरबिक है, टर्किश है. Writings of the time are found in palm leaves. ज़्यादातर किसमें, कौन सी लीव्स में मिले? पाम की लीव्स में. बर्च बार्क एंड स्किन्स, या तो स्किन पे या पेड़ों के तने का जो उखाल उखाड़ देते हैं उस बर्च पे लिखे हुए मिले हैं. लिटरी सोर्सेज हमारे. मैनी बुक्स ऑफ दिस, क्योंकि उस टाइम पे पेपर तो था ही नहीं बेटा, पेपर था ही नहीं. पेपर केम इन 14th century. Many books of this period, 13th to 18th century, have been written on paper too. Some biographies, Farishta, Tariq-e-Farishta, Firoz Shah Tughlaq. अब ये सारी स्टोरीज आपको अदर राइटिंग्स दे रखी, यू जस्ट रीड आउट बुक. लिटरी सोर्सेज ऑल्सो इंक्लूड फॉर्मेन इम्पीरियल डिक्रीज, कॉरस्पेंडेंस ऑफ द रूलर्स, म्यूचुअल ट्रीटीज विच वो ऑल्सो इम्पॉर्टेंट सोर्सेज फॉर द हिस्टोरिकल एविडेंसेज. अब लिटरी सोर्सेज हमें सब बताते हैं कि उनके आपस में संबंध कैसे थे बेटा, कॉम्प्रेंस कॉरस्पॉन्डेंस कैसा था, किस शासक का किससे कैसे कॉरस्पॉन्डेंस था, एक दूसरे से कैसे कॉन्टैक्ट करते थे.
म्यूचुअल ट्रीटीज क्या संधियां उन लोगों के बीच में होती, ट्रीटीज मीन संधि। और ट्रिवैगलिस अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रेवलर्स ऑफ द पीरियड इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज, दे गिव अस अ ट्रू पिक्चर ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेंड्स एंड कस्टम्स ऑफ दिस टाइम। अब ये क्या है, ट्रिवैगलिस इज अ अकाउंट, ये संक्षेप में एक अकाउंट है बेटा, जो भी बाहर के लोग हमारे यहाँ पर आए उन लोगों ने हमारे बारे में क्या लिखा, इम्पॉर्टेंट लिटरेरी सोर्सेज क्या थे, हमारा जरिया क्या थे साहित्यिक। दे गिव अ ट्रू पिक्चर ऑफ प्रिवेलिंग ट्रेंड्स, प्रिवेलिंग मतलब जो उस वक्त समय चल रहा था, जो था दौर, उसके बारे में सारा रिटन अकाउंट हमें ट्रिवैगलिस से मिलता है। अंडरलाइन दिस, प्रिवेलिंग ट्रेंड्स एंड कस्टम्स ऑफ दैट टाइम। IBN बटूज रिबेला डिस्क्राइब द रीजन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक, और किस समय के बारे में किस किस ने बताया उसके नाम हमें खुद को याद करने पड़ेंगे बेटा। जैसे बटूज ये रिकला जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के समय के बारे में लिखा, जिससे हमें पता लगता है मोहम्मद बिन तुगलक कितना बड़ा मूर्ख था, मूर्ख राजा था वो, उसके बारे में आज वो तो ना है ये, उसके बारे में पर हमें उनकी बुक लिखी गई थी, उससे हमें पता लगता है वो राजा मूर्ख था, इतिहास में सबसे बड़ा मूर्ख राजा वही था। अल बैरूनी रोट एन अकाउंट, अब्दुल रज़ाक विजिटेड द किंगडम ऑफ विजयनगर, यूरोपियन ट्रेवलर्स लाइक मार्को पोलो ऑफ इटली, निकलो कॉटनी ऑफ वेनिस, डोरोटा बरोसा एंड डेमेंगो पेस ऑफ पोर्टुगल, निकेतन ऑफ रशिया, फादर रैपफिते एंड फादर जेवियर्स, विलियम हॉकिंग्स ऑफ इंग्लैंड हैड विजिटेड इंडिया। ये सभी लोग हैं, ये जो ट्रैवलर्स हैं, यात्री लोग बेटा, कौन कौन से यात्री थे जो भारत आए थे। सम अदर यूरोपियन ट्रैवलर्स वर थॉमस कॉरियाट, एडवर्ड जेरी एंड इंग्लैंड। यू जस्ट कैन अंडरलाइन ऑल दीज नेम ऑफ द टाइगर। सर थॉमस राव फ्रांसिस्को ऑफ पालसा ट्रेवनियर एंड बर्नियर फ्रॉम फ्रांस ऑल्सो विजिटेड इंडिया इन लेटर मिडाइवल पीरियड। लेटर मिडाइवल, लेटर एक तो स्टार्टिंग ऑफ द मिडाइवल पीरियड है बेटा, और लेटर मिडाइवल पीरियड में कौन कौन यात्री लोग भारत आए जिनने हमारे बारे में लिखा, उनके लेख पढ़कर ही हमें मिडाइवल पीरियड में कैसी स्थिति थी वो सब पता लगती है। मैनी ऑफ दिस ट्रेवलर स्टेड एट द कोर्ट्स ऑफ डिफरेंट इंडियन रूलर्स लाइक ब्राह्मणी, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब एटसेट्रा। अब बहुत सारे ट्रेवलर्स ऐसे हैं जो अलग अलग रूलर्स शासकों के दरबारों में रहे हैं बैठा कर, एक मेहमान के रूप में वहाँ रहे हैं, हमारी संस्कृति के बारे में जा रहा है, उन्हें सब कुछ सीख कर हमारी संस्कृति को बढ़ावा दिया, बाहर जाकर उसके बारे में लिख कर बताया कि भारतवर्ष कितना अच्छा है। अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, एटसेट्रा, दीज अकाउंट्स गिव अ ट्रू पिक्चर ऑन इवेंट्स, सच्ची क्या घटनाएं घटी हैं इन सब के बारे में हमें इन्हीं ट्रैवलर्स के अकाउंट से बेटा पता लगता है। इज दैट क्लियर। सम ऑफ दीज वर्क्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स एंड इंडियन राइटर्स आर इलस्ट्रेटेड विद ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ऑल्सो, बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स से भी हमें इनके बारे में पता लगता है बेटा। The paintings are very useful as they throw the light in the development of social and background of that time. Paintings, जैसा आप मुगल कालीन पेंटिंग देखते हो, उमर खयाम की पेंटिंग देखी, तो उस समय की पेंटिंग्स से हमें पता लगता है कि उस समय किस टाइप की पेंटिंग थी, किस तरह से यूज़ करते थे, आर्किटेक्चर कैसा था, उन सब से हमें पता लगता है। Development of social and background. However, Mughal rulers were very fond of music and dance. और हम सभी बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं इस बात से कि मुग़ल रूलर्स, रूलर्स मतलब शासक, किस बात के ज़्यादा शौकीन थे। दे वर लव डांस एंड म्यूज़िक बोथ, क्योंकि अनारकली का नाम सभी ने सुना होगा, वॉज फेमस ऑफ दैट टाइम। सो सम ऑफ देम पेट्रोनाइज द आर्ट, बाबर हिमसेल्फ रोट सॉन्ग्स एंड सेट देम द ट्यून। बाबर जो थे उन्होंने खुद ने अपने आप म्यूज़िक बनाया था बेटा और ट्यून बनाई थी। द बिगर फॉलोअर ऑफ म्यूज़िक वॉज अकबर, सबसे ज़्यादा म्यूज़िक को पसंद करने वाले कौन थे, अकबर। अकबर के कोर्ट में कितने जेम्स थे, 9 रत्न थे, कौन उसमें से तानसेन थे कि नहीं, वो फेमस सिंगर ऑफ अकबर्स पीरियड ऑफ द मिडाइवल पीरियड।
लेटर मिडावल पीरियड. इज दैट क्लियर बेटा? अकबर तानसेन वॉज ऑल्सो द इन इज कोर्ट. इट इज सेड दैट ही हैड अ सेंसिटी एंड इज म्यूजिक एंड कुड मेक द क्लाउड्स बर्स्ट इन टू रेन. उनके ये माना जाता था कि तानसेन के संगीत में इतनी ताकत है, इतनी सेंसेशनल है कि बेटा क्लाउड्स में से वो बारिश करा सकते थे. पहले का संगीत ऐसा था, पहले के मंत्र उच्चारण ये सब ऐसे थे कि वो बारिश भी करा सकते थे बेटा, क्योंकि सत बहुत था. पायसपना, PIOES, पायस मीन्स सात्विक जीवन जीने वाले लोग थे. ऐसा वो नहीं था आज का जैसा समय. इट इज़ यूज दैट ही हैड अ सेंसिटी ऑफ म्यूजिक एंड कुड मेक द क्लाउड बर्स इन टू रेन. इंडियन स्टाइल ऑफ म्यूजिक फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड. अरब्स ऑल्सो ब्रॉट विद दैम अ नंबर ऑफ न्यू म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सच एज रबाब एंड सारंगी. अब मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि विच सॉर्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर ब्रॉट इन इंडिया बाय द आउटसाइडर्स. आप कौन से हैं बेटा? दैट इज रबाब एंड सारंगी. ये इंस्ट्रूमेंट भारत के नहीं हैं. ये वाद्य कहाँ से आए हैं? अरब से. रबाब एंड सारंगी एंड न्यू म्यूजिकल मोड्स ऑफ रेगुलेशन अ डिस्टिंक्टिव स्टाइल ऑफ म्यूजिक स्ट्रक्चर. ये स्टाइल हमारी कहाँ से आई थी? अरब से बेटा. सो दिस फिनिशेज योर चैप्टर. ओके बेटा, थैंक यू फॉर टुडे.